आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं, असीम बस्सी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम जरा बात कीजिए लोगों से। हाँ जी हाँ, क्योंकि आज बहुत बड़ा मैच था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। पिछले वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने जो है इंडिया को हरा दिया था, और चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं जब भारत ने जीता है उसी तरह का जोश है, इंडिया इंडिया के लिए लोग चीयर कर रहे हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि किस तरह जो फैंस में है जोश है भारत के लिए। आज जो भारत ने मैच जीता है किस तरह देखते हैं आप, कोहली ने स्पेशली जिस तरह कंट्रीब्यूट? बहुत बड़ी जीत है जी, कोहली हमेशा ही परफॉर्म करता है, और देखिए जो आज उसने 95 बनाए हैं वो 100 से कहीं ज्यादा है, क्योंकि उसकी उस पारी की वजह से इंडिया मैच जीता है। कोहली इज ग्रेट। बच्चों में भी बहुत जोश था, विराट कोहली की बैटिंग देखी आपने? यस। किस तरह खेला इंडिया, लगता है वर्ल्ड कप जीता? बहुत मस्त, कोहली के आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता। कोहली के आगे तो लगता है वर्ल्ड कप जीतेगा इंडिया इस बार? यस ऑब्वियसली। कोहली के आगे कोई बोल सकता है क्या? कोहली तो चंडीगढ़ में छोटे छोटे बच्चों को भी आपने देखा, और कोहली के आगे कोई टिक सकता है क्या? ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ विराट कोहली के फैंस हैं, और देखिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जीएस विवेक का एक बार फिर से रुख करते हैं। विवेक, ये शानदार जीत और इसी के साथ वो जो विजयी रथ भारत का जो लगातार बढ़ता ही जा रहा था वो रुका नहीं, पांचवी जीत दर्ज की आज भारत। जी हाँ बिल्कुल, और पांचवी जीत यहाँ पर दर्ज करी है, और फैंस बेहद खुश हैं। भले ही आज 100 नहीं हुआ हो विराट कोहली का, लेकिन 100% परफॉर्मेंस आज यहाँ पे। बहुत ज्यादा खुश है, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं इतनी ज्यादा हैप्पी, इतना ज्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा। विवेक, शायद नेटवर्क इशू है, आपके पास आते हैं। मधिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मधिया के आसपास भी क्रिकेट फैंस हैं, जरा मधिया उनसे भी बात कीजिए। बिल्कुल, इन सब क्रिकेट फैंस से भी बात करेंगे। लगातार ये टीम इंडिया को यहाँ पर चीयर्स कर रहे थे बार बार, वो इसलिए क्योंकि आज जो टीम इंडिया का प्रदर्शन रहा है काबिले तारीफ रहा है, चाहे बॉलिंग की बात करें या फिर विराट कोहली जो शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी टीम इंडिया ने जीत हासिल की। और जरा यहाँ पे जो क्रिकेट प्रेमी उनसे बात कर लेते, अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे थे, चीयर कर रहे थे। ये माहौल देखिए, ये माहौल है इंडिया गेट पर, इंडिया गेट जहाँ पर लोग खाने पीने आते हैं घूमने आते हैं, लेकिन आज हाल ये था कि इंडिया गेट पर लोगों के हाथों में फोन था और नजर से फोन पे थे क्योंकि लोग मैच देख रहे थे। जरा आज के प्रदर्शन के बारे में बता दीजिए, टीम इंडिया की जीत से कितने खुशी? मैम बहुत खुश है, विराट भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? विराट भाई किंग कोहली, ऑलवेज कोहली, वो जल्द वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 50 सेंचुरी उनकी इसी वर्ल्ड कप में होंगी। जरा ये जो ये बताइए आज के प्रदर्शन के बारे में क्या कहेंगे? चेयर्स तो खूब कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज बॉलिंग रही टीम इंडिया की और उसके बाद जो बैटिंग रही है, टीम इंडिया बेहद करीब वर्ल्ड कप के पहुंच गए, तो वर्ल्ड कप घर लाने की कितनी खुशी? लगता है जल्दी ले आएंगे वर्ल्ड कप घर? भारत पिछले 5 मैचों से अपना पूरे मैच जीते हैं, और अभी अब 2 मैच बाकी है जिससे अपने फाइनल में पहुंच सकती है। आज विराट कोहली, उसके बाद में मोहम्मद शमी को अभी अपन ने रिप्लेस किया, लेकिन उसने भी 5 विकेट लेके प्रूव किया है कि अपनी पूरी टीम लेके वर्ल्ड कप जीतने की पूरी तैयारी में। और बहुत बड़ी बात, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में पहला मैच मोहम्मद शमी ने खेला और उसी में 5 विकेट, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो क्रिकेट प्रेमी है उन सभी के बीच आज के मैच की चर्चा है। कोई और कुछ कहना चाहेगा? आज किससे सबसे ज्यादा खुश है क्रिकेट फैंस, सबसे ज्यादा खुश है किसको देखकर हुई? विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली शतक मार देता ना तो और मजा आ जाता देखने में, बस शतक से रहे, शतक मार देता तो और खुशी हो जाती, बस शतक से चूक गया, ये जो है लोगों को जरूर अफसोस है। जरा ये बता दीजिए आज का मैच इंडिया ने जीत लिया, कितनी खुशी इंडिया के मैच जीत? बहुत खुशी हुई मैडम आज, बहुत ज्यादा खुशी है। विराट कोहली और मोहम्मद शमी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था आज के मैच में। कहां से आए हैं? मैं देख रही हूँ इंडिया गेट पे दूर दूर से लोग हैं, लेकिन हर वक्त फोन आपके सामने था, सब लोग टहल रहे थे आज इंडिया गेट पर, लेकिन लोगों का फोन लोगों की नजरों के सामने था, क्यों इंडिया गेट तो अलग घूम रहे थे लेकिन लोगों की, क्योंकि देखिए उम्मीदें टूटी नहीं है बल्कि वो बरकरार रही, और भरोसा और ज्यादा कहीं ना कहीं टीम इंडिया पर जो है, विराट कोहली पर, मोहम्मद शमी हो या कोई भी प्लेयर हो, सब पर बढ़ गया है। मोहम्मद शमी
जो मैन ऑफ द मैच बने हैं। शमी ने 54 रन देकर 5 विकेट चटकाए हैं। मोहम्मद शमी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका इस मुकाबले में निभाई। इस विश्व कप में शमी का यह पहला मैच था और पहले ही मैच में देखिए कितना शानदार उनका प्रदर्शन रहा। मुंबई आपको लिए चलते हैं। मुंबई में हमारे साथ लता मेरी सहयोगी जुड़ गई है। लता, फैन से बात कीजिए, कितनी खुशी और किस तरह की उम्मीदें? उम्मीदों पर खरा तो उतरी है टीम इंडिया, लेकिन अब किस तरह का रिएक्शन लोगों का? जी देखिए, मैं फिलहाल मुंबई के शिवाजी पार्क इस इलाके में हूँ। यहाँ पे एक ग्रुप मुझे मिला जो कि फुटबॉल खेला था, लेकिन क्रिकेट से उनकी जो है नजर नहीं गई। इंडिया जीत गए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। 20 साल बाद इंडिया ने हराया न्यूजीलैंड को, ये अभी हर बार हारते जाएंगे हम इनको। और बहुत बुरा भी लग रहा है विराट कोहली भाई के लिए, जो 95 पे आउट हो गए, बट पूरा टीम अच्छा खेला हमारे इंडिया से। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे मेरे साथ, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा टफ गेम था, 5 विकेट हो गई थी, लेकिन जीत गई इंडिया। अच्छा लगा एक्चुअली, विराट कोहली का 100 होना चाहिए था और रोहित शर्मा ने भी अच्छा खेला, उसका 50 होना चाहिए था। रोहित ने 4 सिक्स मारा है, अच्छा लगा। 20 ईयर के बाद इंडिया ने हराया न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप का गेम में, वो देख के अच्छा लगा। इंडिया, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।